खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां रेपुरा में रास्ते के विवाद को लेकर चल रही पंचायत के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचायत के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे पंचायत में अफरा तफरी मच गई। इस हिंसक झड़प की घटना में घर की महिला सदस्य भी घायल हो गई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घायलों के मुताबिक पंचायत चल रही थी, इसी दौरान एक पक्ष द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जांच के बाद मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरीज संतोष जी नाखलत में, उनका इलाज चल रहा है, फिर देखते हैं जैसा होगा एक्सरे करा के देख लेते हैं, अगर फ्रैक्चर वगैरह होगा तो हम उसको हाजीपुर सदर अस्पताल में। ये लोग कह रहे कि तलवार और भाला से मारा गया है। भाला से हाथ में लगा हुआ है और क्या पानी जब लेकर के दोनों पंचायती हो रहा था, उसी को लेकर के अपना पंचायती के दरमियान मार हो गया। हाँ, हम गए तो उसे लोग बताया, यहाँ आए हैं अस्पताल में। तो इधर लंबे समय से विवाद चल रहा है लोग का, जैसा हाँ, हाँ, लंबे समय से कि बोल रहे हैं कि धमकी भी देता है बराबर, तो ऐसा कोई आवेदन भी है क्या थाना में? ना, ऐसा तो कोई आवेदन है हमारा जानकारी में नहीं है।